गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट, हमने कल प्रोनाउन टॉपिक कंप्लीट किया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई वुड लाइक टू टीच अबाउट द वर्ब। ओके स्टूडेंट, बिकॉज वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द वर्ब। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। वर्ब, द वर्ब इज ए वर्ब, द वर्ब इज ए वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और द वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और ए थिंग। Sorry, student. Of a state of being. The verb is a word that expresses an action or a state of being. It is called verb. Verb जो होती है student, वो कर्म या हालात पर हालात को express करती है, हालात को व्यक्त करती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? एज जैसे राम थ्रू द बार। अब इन दिस सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट कि इसमें इस सेंटेंस में क्या होता है? एक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, एक्शन। नेक्स्ट, द बेगर फेल्ट, द बेगर फेल्ट सैड फीलिंग। ओके स्टूडेंट, इसमें फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट, द अकबर वाज ए ग्रेट किंग। एग्जिस्टेंस, ओके स्टूडेंट, इसमें अस्तित्व एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें जो वर्ब है, इन दिस सेंटेंस वी कैन फाइंड वर्ब, दिस इज वर्ब। ओके स्टूडेंट, थ्रू फेल्ट वाज आर वर्ब्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट? दे आर फोर टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट ट्रांजिटिव, सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब, और थर्ड लिंकिंग वर्ब, और फोर्थ नंबर पर आती है ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। Kinds of verb. Kinds of verb, first verb. Okay student, तो first
ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट सेकंड नंबर पर इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब थर्ड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड पर इंट्रांजिटिव वर्ब और थर्ड नंबर पर है लिंकिंग वर्ब जिसे संयोजक क्रिया कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट और लास्ट ऑक्सिलियरी ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया। ओके स्टूडेंट, दे आर फोर टाइप्स ऑफ वर्ब विच फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड लिंकिंग वर्ब और फोर्थ नंबर पर है ऑक्सिलियरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब कि व्हाट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ओके स्टूडेंट, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट सेंस, ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस SVO. SVO means student, subject, verb or object. Subject, verb, object. Is that clear, student? तो transitive verb क्या होती है? Transitive verb needs an object to complete its sense. तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया को किसकी आवश्यकता होती है? एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। अब ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, टेक सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, एग्जांपल्स
फर्स्ट सी सिंग्स ए ब्यूटिफुल सॉन्ग. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सी सिंग्स ए ब्यूटिफुल सॉन्ग. इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, वी लव आवर कंट्री. वी लव आवर कंट्री. ओके स्टूडेंट, इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? थर्ड, यू बॉट ए पेन. यू बॉट ए पेन, इसमें बॉट क्या है? वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है फर्स्ट नंबर पर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इन दीज सेंटेंसेस वर्ब्स आर सिंग्स, लव एंड बॉट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है ब्यूटीफुल सॉन्ग और कंट्री अ पेन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड. नेक्स्ट, सी सिंग्स ए सॉन्ग. वी लव आवर कंट्री. थर्ड, यू बॉट ए पेन. ओके स्टूडेंट, दीज आर सेंटेंस. ओके, इफ वी कंबाइन सब्जेक्ट एंड वर्ब. ओके स्टूडेंट, एंड आस्क द क्वेश्चन व्हाट और हुम, बट वी कैन गेट एन आंसर लाइक मीन्स ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, वी कैन गेट एन आंसर ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब. क्वेश्चंस एंड आंसर. ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट बनाएंगे कैसे? जैसे एग्जाम्पल, सी सिंग्स. सी सिंग्स व्हाट? सी सिंग्स व्हाट? आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? ए सॉन्ग. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, वी लव हुम. वी लव हुम. ओके स्टूडेंट, तो आंसर क्या गेट करेंगे स्टूडेंट? आवर कंट्री. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, यू
boat. You bought what? We can get answer a pen. Is that clear, student? If we combine subject and verb and ask the question, what or whom, we can get answer object. Okay, student? Next, if we combine subject and verb and ask the question, but we can get an answer object, it is called transitive verb. It is called transitive verb. Is that clear, student? Note, if we combine subject and verb, and ask the question, what or whom, but we can get an answer object, it is called transitive verb. Is that clear, student? Transitive verb can have two objects. Transitive verb can have two objects. Transitive verb can have two objects. First object, one object, and two object. Transitive verb with one object. Okay, student? Transitive verb with one object. Transitive verb with one object. Transitive verb with one object. जो एक object होता है sentence में, एक object होता है student. जैसे as, you are taking, you are taking tea. I like coffee. She played chess. Okay, student. So, in these sentences, one object,
ओके स्टूडेंट, लाइक यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट, लाइक वर्ब ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, प्लेड वर्ब, चेस ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, तो इन दीज सेंटेंसेस वर्ब्स आर टेकिंग लाइक चेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टी, कॉफी, चेस. इज दैट क्लियर पॉइंट? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, कि जो सेंटेंस होगा उसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे. ओके स्टूडेंट, उसमें कितने ऑब्जेक्ट होंगे? दे आर टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस. ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स. ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल्स, मिस्टर राजेश टीचर्स अस इंग्लिश. मिस्टर राजेश टीचर्स अस इंग्लिश. नेक्स्ट, सी रोड मी अ लेटर. सी रोड मी ए लेटर. देयर आर टू सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस, मिस्टर राजेश टीचेस अस इंग्लिश. ओके स्टूडेंट, तो इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेकंड ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, इसे लिविंग थिंग कहते हैं. लिविंग थिंग, ये लिविंग थिंग होता है स्टूडेंट, और ये नॉन लिविंग थिंग. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? देर आर टू ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. ओके, फर्स्ट अस, सेकेंड इंग्लिश. ओके, और फर्स्ट इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? वी से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और लिविंग थिंग भी कहते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, इंग्लिश. इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट. ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है. तो सेकेंड ऑब्जेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और ये नॉन लिविंग थिंग होता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, जैसे सी रोट मी ए लेटर, तो मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग, ओके स्टूडेंट. लेटर सेकेंड ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके. तो ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट, ये डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है? ओके. ये डबल ऑब्जेक्ट होते हैं इनमें, और हमें फाइंड करना होता है कि डबल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, डबल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट में कौन सा होता है, लिविंग थिंग होती है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग होगा. और सेकेंड ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? वेरी गुड. तो ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब ये कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब. तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट वर्ब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके. और वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द वर्ब. ओके स्टूडेंट, तो टेक केयर, बाय फॉर नाउ.